नमस्कार मित्रों, तो मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे रेकी करते हुए जब कोई रेकी करता है तो उसको समस्याएं क्यों बढ़ने लगती हैं। जब कोई भजन साधना करता है, मेडिटेशन करता है, उसको जीवन से समस्याएं, बीमारियां, खासकर बीमारियों जो होती हैं वही बढ़ती हैं जब कोई मेडिटेशन करने लगता है, गहरा मेडिटेशन होने लगता है। कोई खास तौर पे आप रेकी करेंगे, जिन लोगों को एकदम से समस्या बढ़ जाती है, पहले पेन थोड़ा रहता था अब ज्यादा रहने लग गया, पहले शरीर कम थोड़ा एक्टिव भी रहता था अब शरीर ज्यादा ढीला पड़ गया, आलसी हो गया, थोड़ा पेन उनको ज्यादा बीच बीच में महसूस होता है, यानी कि समस्या और ज्यादा फील होने लगती है कम होने की बजाय। आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं उससे तुरंत बीमारियां कम होती हैं। जो लोग नए हो मेरे चैनल पे, इस चैनल के ऊपर फ्री में रेकी कैसे करनी है वो बताया हुआ है। रेकी का एक लेवल, रेकी सिद्ध विद्या है, कोई साधारण विद्या नहीं है, और एक ही घंटे में आपको बहुत क्लियर आभास होने लगता है कि ऊर्जा शरीर में आ रही है, आप वाइब्रेट होने लगते हैं, कोई कम होता है कोई ज्यादा होता है, जिसकी जितनी संवेदनशीलता होगी ज्यादा वाइब्रेट होगा, ज्यादा एनर्जी निकलेगी, कभी यहां से गर्मी ठंडक निकलती है, हाथों से पैरों में वाइब्रेशन झंझनाहट होती है, बहुत कुछ होता है। तो जिन लोगों को समस्या बढ़ती है उनको ऐसा नहीं खाली रेकी करने से, यदि वो भजन भी करेंगे, वो माला जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तब भी उनको समस्या बढ़ने लगती है। कारण, किन लोगों को समस्या बढ़ती है? 90% लोगों में ऐसी चीज नहीं होती कि आप रेकी करेंगे और समस्या आपकी बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता। उसका कारण है क्योंकि आम लोगों में बहुत हैवी नेगेटिविटी नहीं होती। ये किनको होता है? जिनको, जिनके अंदर बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज होती है, या पुरानी ब्लॉकेज है, 10 साल से 20 साल से कोई आपको बीमारी है, कोई समस्या है, तो जब आप रेकी करेंगे वो पुरानी समस्या होती है वो बहुत गहराई में आपके भीतर गढ़ जाती है। जैसे एक वृक्ष धरती पे लगा है 10 साल 20 साल 50 साल से, उसकी वृक्ष की जड़ें उतनी ज्यादा फैली हुई होती हैं, उस ब्लॉकेज की, उस समस्या, ब्लॉकेज बीमारी एक ही होती है, उसी से बाहर की समस्याएं भी आती हैं, पैसा ढीला इत्यादि, सेहत, रिलेशनशिप, सभी कुछ चक्रों से जुड़ा हुआ है। चक्र आपके क्लीन हो जाएंगे, बाहर का सारा वातावरण, पूरा जीवन आपका अच्छा हो जाता है। जिन लोगों के अंदर स्ट्रांग ब्लॉकेज होती है, वो जैसे ही, जिस तरह से मैंने बताया कि रेकी करनी है, आपने हाथ ऊपर करके, मैं रेकी का आह्वान कर रहा हूं, वो जैसे ही करते हैं एक दो दिन उनको लगता है बॉडी हल्की हो गई, बीच में ऐसे लगता है कि समस्या और बढ़ गई है, पहले से डबल हो गई, डबल समस्या फील होती है। उसका कारण ये होता है कि इस, वैसे ही तो ये जो मूल रूप से साइन है ये सुपर पॉजिटिव है, यानी कि आपकी जो ब्लॉकेज है, आपकी बीमारी है, आपकी समस्या है, वो जड़ से खत्म हो रही है। इस कारण आपकी समस्या बढ़ रही है। बढ़ती क्यों है? बढ़ने के दो कारण होते हैं। एक तो होता है जिनके अंदर भूत प्रेत वगैरह की समस्या होती है, यदि वो खुद रेकी करते हैं तो उनको एक बार वो जो नेगेटिविटीज होती हैं, वो ऊर्जाएं होती हैं, वो आत्माएं होती हैं, वो एक बार तंग करती हैं ताकि आप उस काम को बंद कर दो, क्योंकि यदि आपने कंटिन्यूस रेकी जारी रखी तो वो आपके शरीर में नहीं रह सकेंगी, वो जलने लगती हैं, उनको बहुत समस्या, बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो आपको रोकने की कोशिश करती हैं। पहली, जिनको भूत प्रेत की समस्याएं होती हैं उनको भी ये प्रॉब्लम थोड़ी लगती है कि समस्या बढ़ गई है, उनके साथ तरह तरह के चमत्कार होने लगते हैं। उन्होंने एक जगह पे जोत जला के रखी है जहां पे हवा नहीं है, कुछ नहीं है, जोत बार बार बंद हो रही है, जो कि जीवन में कभी नहीं होता। वो धूप जला के रखा, धूप के टुकड़े करके फेंक दिया उन चीजों ने, तो वो इस तरह की, यहाँ पे अभी आसन रखा माला करने के लिए, माला यहां से उठा के तोड़ के उधर फेंक दी। ये लोगों के साथ साक्षात चमत्कार होते हैं, मैं देखता हूं, इस फील्ड में हूं तो लोग अपने अपने अनुभव बताते हैं। वो कपूर भी जलाने लगे हैं, कपूर जो एकदम दूर से ही आग पकड़ने वाली चीज है, वो भी चटक चटक के बंद हो जाता है। तो ये नेगेटिविटी भूत प्रेत के कारण भी होता है। लेकिन यदि आप लगातार रेकी करते रहते हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, वो आप कंटिन्यूस करते रहते हैं, तो ये समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। थोड़ा बहुत डराने धमकाने का ही एक तरह से काम होता है। दूसरा, जिनके अंदर पुरानी समस्या है, चक्र में किसी में ब्लॉकेज है, मूलाधार चक्र में ब्लॉकेज है, किसी मणिपुर में, स्वाधिष्ठान में, किसी भी चक्र में ब्लॉकेज है, तो उसी से संबंधित उनको रोग होता है, समस्या होती है, दर्द होता है। तो जब वहां से ऊपर से एनर्जी आती है, वो पुरानी ब्लॉकेज के ऊपर सीधा ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। जिस तरह से मैंने बताया है कि रेकी करनी है, जे रेकी करते हैं तो सीधा प्रवाह वहां पे आके चोट मारता है, वहां पे पुरानी ब्लॉकेज पड़ी हुई है तो वो टूटती है और रोम छिद्रों से बाहर निकलने लगती है, जिसको कहते हैं हम आभा मंडल। रोम छिद्रों से बाहर निकल के वो आभा मंडल में आ जाती है। आभा मंडल का हमारे जीवन में सबसे ज्यादा
महत्व होता है, क्योंकि यदि आपका आभा मंडल हल्का है, लाइट है, शुद्ध है, प्योर है, पॉजिटिव है, तो आप एकदम हल्का फुल्का तंदुरुस्त महसूस करते हैं। यदि किसी का आभा मंडल, बाकी चक्र सब क्लीन है, सिर्फ आभा मंडल भारी हो जाए, वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, उठ के पानी का गिलास लेना भी उसको मुश्किल लगता है, शरीर इतना भारी फील होता है। तो असल में उनकी ब्लॉकेज जो है वो जब टूट के बॉडी से बाहर निकलती है, रोम छिद्रों से होके बाहर निकलती है, आभा मंडल में आएगी, आभा मंडल से निकलती निकलती जब वो लगातार रेकी करते रहते हैं, आभा मंडल से भी बाहर निकल जाती है, फिर धीरे धीरे तीव्र वाइब्रेशन होने लगती है, क्योंकि वहां से अब ब्लॉकेज हट गई है तो वहां पे एनर्जी प्रॉपरली काम करने लगती है। तो उनके कुछ पार्ट यहाँ पे, किसी को यहाँ पे अंदर तीव्र वाइब्रेशन, जैसे किसी ने वाइब्रेटर लगा रखा हो, अंदर तीव्र बहुत तेज वाइब्रेशन होने लगती है। सभी को नहीं होती, सभी के अनुभव अलग अलग होते हैं, लेकिन वाइब्रेशन तो होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी शुद्ध हो रही है, पवित्र हो रही है, तंदुरुस्त हो रही है। तो ये पॉजिटिव साइन होता है। जिनकी समस्या बढ़ती है उससे घबराने की जरूरत नहीं, परमात्मा का धन्यवाद करें, आपकी समस्या बाहर निकल रही है। वो बढ़ इसलिए रही है क्योंकि वो आभा मंडल में आ गई है। आभा मंडल में एक बार आ गई तो आपका आभा मंडल भारी हो जाता है और एक दो तीन दिन में पूरी तरह दोबारा क्लीन हो जाएगा। लगभग 24 घंटे में पूरा आभा मंडल का एक सर्कल घूमता है, उसमें से नेगेटिविटी निकल के बाहर चली जाती है, आप 24 घंटे में हल्के। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए थोड़ी सी समस्या बढ़ती है, ये केवल 10% लोगों के साथ में होगा जिनको बड़ी लंबे टाइम से बीमारी है, बड़े लंबे टाइम से समस्या है। यदि आप किसी से प्रॉपरली रेकी हीलिंग करवा रहे हैं, आपको समस्या बढ़ती है, तो वो आपके 20 तरह के ट्रीटमेंट कर सकता है, आपके आभा मंडल को शुद्ध कर देगा, आप तुरंत हल्के हो जाएंगे, एकदम हल्के हो जाते हैं। दूसरा, जब ऊपर से ऊर्जा आती है और नेगेटिविटी बाहर निकलती है, तो एक तो रोम छिद्रों से बाहर निकलती है, दूसरी यहीं से निकल के सर के माध्यम से निकलती है। वो ब्लैक ऊर्जा टूटती है, ऊपर से एनर्जी आई, ब्लैक ऊर्जा टूटी, टूट के निकली सर के माध्यम से। जब सर के माध्यम से निकलती है, सर एकदम भारी है, ऐसे लगता है जैसे सर के ऊपर 50 किलो किसी ने बोरी रख दी है एकदम वजन की, तो एकदम सर भारी हो जाता है। लेकिन ये कुछ समय के लिए होता है, 10-20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, तो ये सुपर पॉजिटिव साइन है। उतना ही यदि आप परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, प्रभु मेरी नेगेटिविटी बाहर निकल गई, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, वो उतनी ही तीव्रता से, क्योंकि आपने भीतर धन्यवाद की, पॉजिटिविटी की, ऊर्जा जनरेट की, और वो तीव्रता से निकल जाएगी। यदि वो भारीपन आपको एक घंटा रहने वाला है, तो 10 मिनट में वो भारीपन निकल जाएगा आपका। कुछ समय के लिए इस तरह से होता है, इसलिए रेकी कंटिन्यूस करनी है और पूरे जीवन के लिए करनी होती है। हम रोज खाना खाते हैं, रोज नहाते हैं, उस तरह से रेकी रोज ही करनी है, यदि आपको पूरा जीवन तंदुरुस्त रहना है, आनंदित रहना है। धन्यवाद, नमस्कार।